हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। और स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वेक्टर आपका स्पेस में दिया हुआ है तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरह से होता है। वो वेक्टर जो है अलग अलग एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब होता है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका मैक्सिमम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है, क्लियर है। और अगर वो स्पेस में लाई करेगा तो उसका मैक्सिमम तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको याद दिलाएं कि सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर पी है, दिस इज 2i + 3j, क्लियर है। तो ये जो वेक्टर है ये आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, कैसे, क्योंकि ये दो वेक्टर से मिलकर बना है। दिस इज 2i वेक्टर जो कि x एक्सिस की तरफ है, 2i वेक्टर, और ये 3j वेक्टर जो कि y एक्सिस की तरफ है। आप समझ रहे हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, सारे डिटेल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख चुका है, सारा का कंसेप्ट यहां पर यूज होगा स्टूडेंट। तो ये दो वेक्टर से मिलकर बना है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये दोनों वेक्टर को ऐड करने पर ये पी वेक्टर मिल रहा है। तो ये पी वेक्टर जो है आपका एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। आप समझ सकते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो 2i कुछ इधर होगा, 3j कुछ इधर होगा, और ये दोनों को ऐड करके ये तो इस एक्स वाई प्लेन में आपका जो है एक्स वाई प्लेन में पी वेक्टर होगा। सपोज कीजिए कि मान लिया आपका क्यू वेक्टर है, दिस इज 3j + 4k, 3j + 4k। ये क्यू वेक्टर किससे किससे मिलकर बन रहा है, एक वेक्टर है 3j, एक दूसरा वेक्टर 4k, ये दो वेक्टर से मिलकर बन रहा है। या फिर कहें कि इस क्यू वेक्टर का दो कंपोनेंट है 3j और 4k, और ये दोनों वेक्टर जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो वेक्टर है 3j + 4k, 3j आपका किधर होगा, वाई एक्सिस की तरफ, 4k आपका किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ 4k। तो ये क्यू वेक्टर जो है इस वाई जेड प्लेन में, कहीं लाई कर रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस एक्चुअली थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये एक्चुअल में इस तरह से परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आप समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ये 3j + 4k, ये जो क्यू वेक्टर है ये आपका वाई जेड प्लेन में लाई करना है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर अब सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर ए है, दिस इज 2i + 3j, मान लेते हैं, चलिए दिस इज लेट 5i + 4j + 2k। ध्यान दीजिएगा कि ये तीन वेक्टर से मिलकर बन रहा है जिसमें से एक वेक्टर जो 5i जो वेक्टर है ये x एक्सिस की तरफ है, 4j जो वेक्टर है y एक्सिस की तरफ है, और 2k जो वेक्टर है ये z एक्सिस की तरफ है। ये तीन वेक्टर से मिलकर बन रहा है, या फिर कहें कि इस वेक्टर का तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया 5i, 4j, 2k। जो कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ होता है उसे हम इस वेक्टर का x कंपोनेंट कहते हैं, जो y एक्सिस की तरफ होता है उसे इस वेक्टर का y कंपोनेंट कहेंगे। मतलब वेक्टर a का y कंपोनेंट कौन सा हो गया, 4j वेक्टर, और जो कंपोनेंट z एक्सिस की तरफ होता है उसे उस वेक्टर का z कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो अगर इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपल ये वेक्टर क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। आप देख सकते हैं, मान लिया 5i, सपोज कीजिए कि ये आपका 5i, क्योंकि i वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट होता है, तो 5i से 5 से मल्टीप्लाई किए 5 टाइम्स लाइक दिस। इसको एक रफली अगर हम इमेजिन करें, दिस इज 5i वेक्टर, 4j वेक्टर कुछ इस टाइप का होगा, दिस इज योर 4j वेक्टर, 4j वेक्टर, और 2k वेक्टर। देखिए, हमको फाइनली ये तीनों को ऐड करना है, तो पॉलीगन लॉ को याद कीजिए। पॉलीगन लॉ में हम क्या करते हैं कि किसी एक वेक्टर को, जिस वेक्टर, ये वेक्टर अगर हमको चाहिए ये तीनों से ऐड करने पे मिल रहा है, तो ये तीनों को एक सीक्वेंस में हम ऐड करते चले जाएंगे। पहला वेक्टर हम ड्रॉ किए, इसके हेड पर से फिर दूसरे वेक्टर का टेल लिए, 4j का टेल लिए, फिर इसको ड्रॉ किए, फिर इसमें हम ऐड करना है हमको 2k वेक्टर, तो फिर 2k वेक्टर का टेल यहां से ले लेंगे, और इसको फिर 2k वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस, तो यहां से इसको जेड एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में, समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जेड वेक्टर जो 2k वेक्टर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज 5i, ये आपका 5i वेक्टर हो गया, 4j वेक्टर हो गया, और ये जो वेक्टर हम ड्रॉ किए हैं दिस इज 2k वेक्टर। ये 2k वेक्टर एक्चुअली ऐसा नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, ये जो 2k वेक्टर है, ये 2k वेक्टर आपका इस 4j पर इस तरह से परपेंडिकुलर है, इस तरह से। तो आपका ये तीनों को ऐड करने पर हमको जो वेक्टर मिल रहा है, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो जाएगा, यहां से ये तीन इसको ऐड कर देंगे, दिस इज वेक्टर ए, क्लियर है सर। और अगेन इसको क्लियर होना चाहिए आपको, ये वेक्टर ए इस तरह से नहीं है, ये इस प्लेन में नहीं है, ये वेक्टर इनफैक्ट इस तरह से स्पेस में है। इस तरह से स्पेस में इसीलिए है क्योंकि 5i आया, 4j आया, 4j के बाद जो है यहां से परपेंडिकुलर ये 2k आ गया, 2k वेक्टर आया, और इस 2k का हेड से हम यहां से इस ओरिजिन को मिलाए जहां से चले थे, पॉलीगन लॉ के हिसाब से यही वेक्टर मेरा वेक्टर ए दे देगा ये तीनों का समेशन।
क्लियर है स्टूडेंट। तो ये वेक्टर है आपका स्पेस में लाई कर रहा है, इसमें तीनों कंपोनेंट है। और हम लोगों ने ये भी देखा था स्टूडेंट कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है तो बहुत इजीली हम उसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, सिंपल रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि रूट अंडर जो x कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट का स्क्वायर, जिसको हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। चलिए, हम लोगों ने इतना देखा था स्टूडेंट, बहुत ही क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोगों ने इतना देखा था, अब यहाँ पर नया क्या है, क्वेश्चन क्या राइज होता है। चलिए, मैग्नीट्यूड में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तीनों जो कंपोनेंट होते हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, बहुत आसानी से उसको हम लोग इस तरह से रूट अंडर दिस करके अपना मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। क्लियर, और वो कैसे रूट अंडर दिस आता है उसके बारे में डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर नया क्या है स्टूडेंट कि ये जो वेक्टर है मेरा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो वेक्टर मेरा स्पेस में लाई कर रहा है, ये वेक्टर डिफरेंट एक्सिस के साथ किस तरह से एंगल बना रहा है। मतलब ये वेक्टर जो है, अब ये जो वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर ए स्पेस में है मतलब इस तरह से है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से उसे निकालते हैं, उसके बारे में एक जनरल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक जनरल एक स्पेस, ये एक वेक्टर दिखा रहा है, वेक्टर आर, जो कि आपका स्पेस में लाई कर रहा है। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो इसके लिए यहाँ पर एक क्यूब बनाया गया है, आप देख सकते हैं, दिस क्यूब इज ओ ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, इस क्यूब का ये बड़ी डायगोनल है, दिस ओ एफ वेक्टर, ओ एफ जो वेक्टर है ये बिल्कुल बड़ी डायगोनल है, इस प्लेन में लाई नहीं कर रही, ओ एफ वेक्टर कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप से है। क्लियर है, और ज्यादा आपको बिल्कुल क्लियर हो इसके लिए कुछ एग्जांपल यहां पर लिखे हैं, जैसे ओबी वेक्टर, वेक्टर ओबी, ध्यान दीजिए, वेक्टर ओबी, ये वेक्टर ओबी जो है ये एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन है। उसी तरह ओजी वेक्टर, ओजी, ओजी वेक्टर जो है ये आपका वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, दिस वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर इन वाई जेड प्लेन। और ओई, ओ ई, ओ से ई अगर आप मिलाते हैं तो ओ ई वेक्टर जो है आपका इस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, जो कि ये बोर्ड का प्लेन है, जिसको हम बोर्ड का प्लेन मान रहे हैं, ये बोर्ड का प्लेन को एक्स वाई मान रहे हैं, इस बोर्ड की इस साइड में जो परपेंडिकुलर है दिस इज वाई जेड प्लेन, और ये जो प्लेन परपेंडिकुलर है दिस इज जेड एक्स प्लेन। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब ये आपका ओई वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपका ये जो डिफरेंट वेक्टर है, वेक्टर ओ एफ, ओ एफ वेक्टर, ओ एफ, ठीक है ना, ये आपका देख सकते हैं, इसको बड़ी डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। ओ एस वेक्टर, डी बी वेक्टर, यहाँ डी से बी आप मिलाते हैं, या सी वेक्टर जो है सी से आप डायरेक्ट ई अगर चले जाते हैं, इमेजिन कीजिए, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है स्टूडेंट, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन नॉलेज। मैंने नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो आप वैसे आदमी से आगे बढ़ सकते हैं जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है। खैर, फिलहाल अभी यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं, ये जितने सारे ये जो कुछ एग्जांपल, ये चार जो वेक्टर लिखे गए हैं, ये सारे वेक्टर आपके स्पेस में लाई कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर है। कन्फ्यूजन है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से सोचिए, आप पेपर पे बना के देखिए, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये ओ एस वेक्टर, यहाँ पर जो ओ एस वेक्टर है, ये जो सिंगल एक वेक्टर होगा जिसको हम बड़ी डायगोनल कहते हैं, ओ एस वेक्टर, इसको हम बड़ी डायगोनल भी कहते हैं। और फिलहाल अभी हम इस ओ एस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर मान रहे हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम पार्टिकुलर इस ओ एस वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्पेस में लाई कर रहा है, जिसको बड़ी डायगोनल भी कहते हैं। चलिए, अब ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये ओ एस जो वेक्टर है, ओ एस जो वेक्टर है, वेक्टर आर जो है, ठीक है, ये इनफैक्ट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखें या पॉलीगन लॉ के हिसाब से ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझेंगे, ये जो एफ वेक्टर किससे किससे मिलकर बना, ओ ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ई एस वेक्टर, एग्जैक्टली जैसा कि यहाँ पे अभी एग्जांपल से आपको हम बताए हैं, ये तीन वेक्टर की सहायता से ये मेरा आर वेक्टर बन रहा है, और ये तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि हर दो के बीच का एंगल 90 डिग्री, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री है स्टूडेंट, चलिए ये ए पॉइंट है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है, ये ई एफ, क्लियर है, ई एफ इस तरह से आया, ई एफ जो, ई एफ जो है वो ऐसे इस प्लेन में नहीं है, ये ई एफ यहाँ से ई से एफ ऐसे निकल गया, परपेंडिकुलर टू इस दिस प्लेन, क्लियर है।
तो ये तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, अगेन आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये OA वेक्टर जो है, OA वेक्टर है, इनफैक्ट क्या है ये वेक्टर R का जो है इसको हम X कंपोनेंट कहेंगे, X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, क्योंकि ये इसका जो कंपोनेंट है OA जो वेक्टर है, वेक्टर R का ये कंपोनेंट है, ये वेक्टर जो OA है ये X एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, तो इसको हम X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R कहेंगे। देखें लास्ट क्लास में इसी को X कंपोनेंट कहते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह A जो वेक्टर है, A जो वेक्टर है इसको वेक्टर R का Y कंपोनेंट कहेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय RY, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा इस तरह से RY लिखने से, अच्छा इसके Y कंपोनेंट की बात हो रही है। और EF जो वेक्टर है, EF जो वेक्टर है ये कौन सा R वेक्टर का Z कंपोनेंट होगा, क्योंकि Z डायरेक्शन की तरफ है, Z डायरेक्शन की तरफ है, इसको तिरछा करके दिखाएं आप समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, Z एक्सिस भी इधर ही है, EF वेक्टर भी इधर ही है, तो ये वेक्टर R का Z कंपोनेंट हो गया। क्लियर बात है, चीजें यहाँ पर ज्यादा क्लियर करके लिखा हुआ है। वेक्टर आर एक्स जो है इनफैक्ट वेक्टर ओए हुआ, वेक्टर आर वाई वेक्टर एई हुआ, और वेक्टर आर जेड जो है वेक्टर ईएफ हुआ। अब किसी वेक्टर को हम लोगों को पता है लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आर एक्स जो है वेक्टर आर का जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड आर एक्स ही हो गया, मैग्नीट्यूड आर एक्स, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई वेक्टर है, RY का मैग्नीट्यूड RY इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J हो गया, RZ का मैग्नीट्यूड RZ हो गया इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर Z एक्सिस की तरफ है, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर हो गया K वेक्टर। सिंपली अब यहां से वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हम यहां से लिख सकते हैं, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस रूट अंडर J का स्क्वायर प्लस रूट अंडर K का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये जो वेक्टर R है, ये वेक्टर R आपका एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है, देख सकते हैं आप, और y एक्सिस के साथ, दिस इज योर y एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और ये जो वेक्टर r है ये z एक्सिस के साथ, दिस इज योर z एक्सिस के साथ आप देख सकते हैं ये गामा एंगल बना रहा है। क्लियर, तीनों एक्सिस के साथ मान लेते हैं अलग अलग एंगल बना रहा है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए मान लिया, देखना चाहते हैं कि ये अल्फा एंगल का क्या वैल्यू है, ठीक है ना, अल्फा एंगल को निकालेंगे कैसे, तो ऐसा करते हैं, देखिए इसी फिगर को हम फिर से अलग से यहाँ पे ड्रॉ किए, दिस इज योर वेक्टर आर, दिस इज योर वेक्टर ओ, दिस इज योर वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए, दिस इज योर वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई, एंड दिस इज योर वेक्टर ई एफ, यही तीन वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर को मिला के ये मेरा वेक्टर आर आ रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि वेक्टर आर से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए के तरफ, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा दिस विल बी परपेंडिकुलर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेक्टर आर से जो कि स्पेस में लाई कर रहा है, ये वेक्टर आर आपका इस तरह से नहीं है, वेक्टर आर आपका इस तरह से है, ठीक है ना, वेक्टर आर आपका इस तरह से है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए। क्लियर बात है, परपेंडिकुलर ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर इस तरह से इंफैक्ट आ रहा है, ये परपेंडिकुलर इनफैक्ट इस तरह से आ रहा है, और यहां से ओरिजिनेट होकर वेक्टर आर आपका इस तरह से है, वेक्टर आर आपका इस तरह से है। क्लियर बात है स्टूडेंट, तो ये वेक्टर आर है जिसको हम यहाँ पर दिखाए हैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए एफ, ओ ए एफ, ओ ए एफ में, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एफ में आप लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस ए एफ, वेक्टर ओ ए प्लस ए एफ ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, और इनफैक्ट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेक्टर ओ ए प्लस ए ई प्लस ई एफ है, यहाँ पर वेक्टर ओ ए प्लस ए एफ आ गया, क्योंकि इनफैक्ट ध्यान दीजिए ए एफ वेक्टर ही तो बराबर है ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर के बराबर, AF जो वेक्टर होगा, AF जो वेक्टर होगा वेक्टर AE प्लस EF वेक्टर के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, तो वही चीज़ है, इनफैक्ट कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, वही चीज़ को वेक्टर AE प्लस EF को हम AF वेक्टर बात बराबर है। खैर यहाँ पर अब हमको अगर cos अल्फा निकालना हो, cos अल्फा निकालना हो तो ध्यान दीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस इज योर 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस हुआ जो कि रिजल्टेंट वेक्टर आर है, और ये अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला तो शायद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा P, ठीक है ना, और ये आपका बेस हो जाएगा B, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो cos अल्फा क्या होता है, बिहारी है, cos अल्फा, B फॉर बिहारी, H फॉर है, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो cos अल्फा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस है आपका OA वेक्टर, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, एरो का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, और हाइपोटेनियस है दिस OF वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, OA वेक्टर इनफैक्ट क्या है, RX वेक्टर का, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है RX वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OA वेक्टर ही तो इसका X कंपोनेंट है, और OA वेक्टर मतलब R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब एक ही बात है, यहां से RX वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल RX हो गया, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R हो गया, दिस इज योर RX इक्वल्स टू R, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट अंडर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर, यहां से देख रहे हैं पहले से भी इनफैक्ट हम लोग जान रहे हैं, ये जो cos अल्फा जो अल्फा का जो इतना वैल्यू आया है स्टूडेंट, RX डिवाइडेड बाय रूट अंडर दिस 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 इक्वल टू, इसको स्मॉल l से हम रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं वेक्टर आर का, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको कॉस बीटा निकालना हो या बीटा का वैल्यू निकालना हो, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं जब आपका कॉस अल्फा का वैल्यू निकल गया आर एक्स बाई दिस दिस दिस, ठीक है ना, तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स दिस करके, ठीक है ना, कॉस इनवर्स उतना वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको उसी तरह बीटा का वैल्यू यहां पर निकालना हो स्टूडेंट, अगर बीटा का वैल्यू निकालना हो तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और फिर उसका ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज आर, दिस इज योर बीटा, यही तो बीटा है, यही तो बीटा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो इस अगेन यहां पर हम इसके लिए लिख सकते हैं कॉस बीटा, कॉस बीटा, बेस क्या हो जाएगा बीटा के सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बताए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस और जो एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बच गया ये बेस, तो ये बेस तो बच गया, तो ये जो बेस बचा इनफैक्ट क्या है, ये ए फैक्टर ही है, ए वेक्टर को आप पहले ली शिफ्ट कीजिए ना, वही चीज तो है, ए वेक्टर ही है, ठीक है ना। तो दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब ये वेक्टर आर का ही वाई कंपोनेंट है, ए वेक्टर क्या है, वेक्टर वाई आर का वाई कंपोनेंट है, सब देख चुके हैं। तो कॉस बीटा आप लिखेंगे बेस बाई, दिस बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आर है तो आर वाई बाई आर, तो कॉस बीटा आपका आ गया आर वाई बाई आर, जैसे कॉस अल्फा आर एक्स बाई आर था, कॉस बीटा आर वाई बाई आर, एंड एग्जैक्टली आप उसी तरह समझ सकते हैं कॉस गामा इसको आर जेड बाई आर, ये आपका आएगा, ठीक है। कॉस अल्फा जो कि आर एक्स बाई आर होता है, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, कॉस बीटा आर वाई बाई आर स्मॉल एम से, और कॉस गामा इक्वल टू आर जेड बाई आर इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तीन जो कोसाइन होते हैं, मतलब कि जो आपका वेक्टर जो स्पेस में है, वेक्टर आर जो कि फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर स्पेस में है जो अलग अलग एंगल बनाता है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, उसका जो कोसाइन होता है, उसका जो कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको हम उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। सिंपली सेम थिंग इज रिटन, आप समझ सकते हैं, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू कॉस अल्फा आर एक्स बाई आर, आप देख सकते हैं। एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, क्लियर स्टूडेंट, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक आई थिंक की कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो यहाँ पर हम एक चीज लिखे हैं स्टूडेंट, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू जो है वन होगा, या करके भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है, चलिए देख ही लेते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मतलब आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर हम करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है आर एक्स बाई आर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा आर एक्स बाई आर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस बीटा कितना है आर वाई बाई आर, तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा आर वाई बाई आर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस गामा का वैल्यू आर जेड बाई आर, तो कॉस स्क्वायर गामा आर जेड बाई आर का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहां से इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस विल बी आर वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज आर जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ एलएचएस में सेम है आपका तीनों आर स्क्वायर, सिंपली ऊपर वाला एड हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा दिस इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर बराबर इतना रूट अंडर है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपका यही वैल्यू आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर, नीचे में भी आर स्क्वायर है, दिस इज वन। आगे आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, मतलब चूंकि इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन फॉर ए वेक्टर टू एग्जिस्ट इन स्पेस, अगर कोई वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ये कंडीशन होना चाहिए, वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, मतलब वो जो अलग अलग एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, उसका कोसाइन का स्क्वायर का जो सम है, कोसाइन का स्क्वायर का जो सम है वो वन होना चाहिए, तो वो वेक्टर इसका मतलब है कि स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज कॉस अल्फा इक्वल टू आर एक्स बाई आर, ये जो तीन फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, जहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए यही तीनों को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इस पर बेस्ट इजी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, इसको उतार लेना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट।
क्वेश्चन जैसे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि अगर कोई वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, ये वेक्टर ए दिस इज 2y वेक्टर प्लस 4j माइनस 5k माइनस 5k, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर, देन द डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में लिख दिया डीसी, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हैं, दिस इज रूट टू बाई रूट अंडर 45 कॉमा 4 बाई रूट अंडर 45 कॉमा माइनस 5 बाई रूट अंडर 45। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन 1 बाई रूट अंडर 45 2 बाई रूट अंडर 45 कॉमा 3 बाई रूट अंडर 45, क्लियर है। थर्ड ऑप्शन इज 4 बाई रूट अंडर 45 कॉमा 0 कॉमा 4 बाई रूट अंडर 45। चौथा ऑप्शन है 3 बाई रूट अंडर 45 2 बाई रूट अंडर 45 5 बाई रूट अंडर 45 2 बाई रूट अंडर 45 दिस 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 माइनस 5 माइनस 1 दिस दिस 32। स्टूडेंट समझ सकते हैं, हर ऑप्शन में तीन डायरेक्शन कोसाइन ऑब्वियस है, ये स्पेस में लाई कर रहा है तो इसका तीन डायरेक्शन कोसाइन होगा, ये तीन एंगल बनाएगा अलग अलग एक्स और वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो तीनों का अलग अलग कोसाइन का वैल्यू होगा। इस तरह से हर ऑप्शन में तीन कॉमा करके ये आपका तीन वैल्यू दिए हुए हैं, तो हमको देखना है इसका क्या क्या डायरेक्शन कोसाइन होगा। चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए स्टूडेंट, अगर हम एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहें तो सिंपल, मतलब जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस अल्फा होता है, ये क्या होता है आर एक्स बाई आर, जो वेक्टर आपका दिया हुआ है उसका एक्स कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल उसका एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो दिया हुआ वेक्टर ए अगर उसके टर्म में लिखे तो ये हम लिखेंगे वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट लिखिए और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कीजिए, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पर वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट 2, वाई कंपोनेंट क्या है 4 और जेड कंपोनेंट माइनस फाइव, क्लियर है। इसको माइनस फाइव को लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस फाइव इंटू के, तो इसका जेड कंपोनेंट क्या होगा माइनस फाइव। खैर फिलहाल अभी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो के का कोफिशिएंट माइनस के का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज 2 बाय रूट अंडर 4 प्लस 16 प्लस 25 ऐसे रूट अंडर 45 2 बाई 45, मतलब एक जो L जो है L का वैल्यू जो एक मेरा आया 2 बाई रूट अंडर 45। क्या ऑप्शन की थी को एलिमिनेट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इतना ही भी एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं अभी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 बाई रूट अंडर 45 तो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ भी आ रहा है 2 बाई रूट अंडर 45 नॉर्मली, लेकिन ये ऑप्शन भी आपका एक ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब इसका जो कॉस अल्फा का वैल्यू है दिस इज कॉस बीटा दिस इज कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उस हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए होगा श्योर है, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं, क्लियर है। एम का वैल्यू निकालते हैं, मतलब कॉस बीटा का वैल्यू, कॉस बीटा, कॉस बीटा मतलब वेक्टर जो दिया हुआ उसका वाई कंपोनेंट लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कीजिए, क्लियर बात है स्टूडेंट, क्लियर। तो देखते हैं वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या है 4, तो 4 मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड अभी जस्ट निकाले नीचे में, यहाँ पर देखिए दिस इज रूट अंडर 45 तो रूट अंडर 45, क्लियर बात है। तो एम का वैल्यू आगे रूट 4 बाई रूट अंडर 45 4 बाई रूट अंडर 45 देखते हैं एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या मतलब कॉस गामा मतलब वेक्टर जो दिया हुआ उसका जेड कंपोनेंट लिखिए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कीजिए, क्लियर है। दिस इज जेड कंपोनेंट क्या है -5 तो -5 मैग्नीट्यूड अभी जस्ट निकाले हैं 45 तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ए, क्लियर है स्टूडेंट।
स्टूडेंट आज के लिए, आज की क्लास पे बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।